हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है, आप सभी को मालूम है। इकोनॉमी स्पेशल बैच में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमी से संबंधित जितने भी प्रश्न या टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको कवर कर रहे हैं। और इसमें हमारा प्रयास ये है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आईएएस प्री की परीक्षा हो या आईएएस मेन की परीक्षा हो, उन सभी में जिस प्रकार से प्रश्न इकोनॉमी से पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी के लिए लाभदायक रहने वाली ये कक्षा है, और साथ ही साथ जो सामान्य जागरूक लोग हैं उनके लिए भी ये कक्षा लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को हम समझाने का प्रयास करते हैं। आज की जो इस कड़ी में हमारी क्लास रहने वाली है वो है महंगाई या मुद्रास्फीति के ऊपर। और आज की क्लास में हम मुद्रास्फीति के बारे में ये बात करने वाले हैं कि आखिर मुद्रास्फीति का पता सरकार को किस प्रकार से लगता है। अक्सर समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं कि महंगाई की दर 3% हो गई, 4% हो गई, 10% हो गई। तो आज हम जानेंगे कि ये 4%, 6% और 10% किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, सरकार को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कैसे पता लगता है कि देश में महंगाई की दर कितनी है। तो ये जो पता लगता है वो कुछ इंडेक्सेस या कुछ सूचकांकों के माध्यम से पता लगता है, और वे सूचकांक कौन कौन से हैं। वे हैं WPI, जिसे कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, हिंदी में इसका नाम है थोक मूल्य सूचकांक। इसी प्रकार जो दूसरा इंडेक्स है जिसके द्वारा महंगाई की दर का पता देश में लगता है वो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इसे कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसी प्रकार का अगला इंडेक्स है WPI CPI फूड इंडेक्स। अगला इंडेक्स है इस प्रकार का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या PPI। इसके अतिरिक्त GDP डिफ्लेटर को भी महंगाई का पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के द्वारा भी देश में महंगाई का पता लगता है। साथ ही साथ रेजिडेक्स या हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के द्वारा भी महंगाई का मापन किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि इतने सारे इंडेक्स आपने बता दिए, तो आखिर क्या सारे के सारे इंडेक्सेस का प्रयोग सरकार महंगाई के लिए करती है? तो इसका उत्तर है जी नहीं, सभी के सभी इंडेक्सेस का प्रयोग सरकार महंगाई के लिए नहीं करती है, अपितु महंगाई के दर का निर्धारण जो होता है वो एक इंडेक्स जो कि हाल फिलहाल में कौन सा है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके द्वारा होता है। लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर, अलग अलग सेक्टर की महंगाई का मापन करने के लिए कुछ अन्य इंडेक्सेस का प्रयोग भी सरकार द्वारा उस क्षेत्र की महंगाई को देखने के लिए किया जाता है। लेकिन ओवरऑल रूप से, संपूर्ण रूप से देश में अर्थव्यवस्था में या देश में महंगाई की दर का जो मापन किया जाता है वो CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। पहले ये WPI द्वारा किया जाता था। अब एक एक करके हम समझते हैं कि ये सारे इंडेक्स क्या हैं, इनके द्वारा महंगाई का मापन किस प्रकार से किया जाता है, और पहले थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से महंगाई का मापन क्यों किया जाता था, और अब CPI या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से महंगाई का मापन क्यों किया जाता है, ये परिवर्तन क्यों हुआ, इसको भी हम हमारी आने वाली क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन से इंडेक्स की, WPI और CPI इंडेक्स की, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। तो आइए देखते हैं WPI और CPI को। लेकिन WPI और CPI को समझने से पहले मैं एक सिंपल सी अवधारणा आपको बता दूं कि WPI और CPI के माध्यम से महंगाई का जो मापन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा, एक प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि क्या सरकार घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठी करती है, सरकार या रिजर्व बैंक। देखिए, महंगाई का जो मापन किया जाता है वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब इस महंगाई के मापन के लिए क्या केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घर घर जाके सर्वे करती है? और दूसरा प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कि क्या ये जो सर्वे किया जाता है उसमें अर्थव्यवस्था में सभी जो वस्तुएं होती हैं, सभी वस्तुओं के मूल्य को पूछा जाता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां होता तो महंगाई का मापन करने में सरकार और RBI को वर्षों लग जाते। क्यों वर्षों लग जाते? क्योंकि देश की जो आबादी है वो कितनी है, 125 करोड़ देश की आबादी है। तो प्रत्येक घर में जाकर और वहां पूछना कि मूल्य क्या है, ये संभव कार्य नहीं है। इसी प्रकार एक एक वस्तु, क्योंकि दैनिक रूप से हजारों वस्तुओं का उपयोग हजारों लोग करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर प्रत्येक वस्तु का मूल्य यदि पूछने लग गए तो ये कार्य वर्षों में भी संभव नहीं है। तो इस कारण क्या किया जाता है,
ये दोनों मेजर काम में नहीं लिए जाते, हर घर जाके सर्वे नहीं किया जाता। साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण अर्थव्यवस्था में महंगाई के निर्धारण के लिए नहीं किया जाता। तो फिर आप पूछेंगे तो फिर किस प्रकार से महंगाई का निर्धारण किया जाता है? तो देखिए, महंगाई का निर्धारण करने के लिए सरकार क्या करती है, कुछ विशेष वस्तुओं को चुनती है। क्या करती है? कुछ विशेष वस्तुओं को चुनती है और उन विशेष वस्तुओं का मूल्य देखा जाता है और इन विशेष वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसमें परिवर्तन के आधार पर सभी वस्तुओं में परिवर्तन को क्या कर लिया जाता है, उनका मापन कर लिया जाता है, अंदाजा लगा लिया जाता है, उसके हिसाब से महंगाई की दर का निर्धारण किया जाता है। और ये जो विशेष वस्तुएं चुनी जाती हैं जिनके आधार पर देश में अर्थव्यवस्था में मूल्यों का निर्धारण होने वाला है या महंगाई की दर का निर्धारण होने वाला है, ये वस्तुएं कहलाती हैं बास्केट। यानी कि एक बास्केट चुनी जाती है जिनमें कुछ वस्तुओं को शामिल किया जाता है और उन वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के आधार पर देश में महंगाई का निर्धारण किया जाता है। और इन विशेष वस्तुओं या बास्केट के मूल्यों के आधार पर ही क्या बनाए जाते हैं, सूचकांक बनाए जाते हैं। कौन से? WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुछ अलग प्रकार की वस्तुओं का बास्केट बनाया जाता है, जबकि CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कुछ अलग प्रकार की वस्तुओं का बास्केट बनाया जाता है और उस बास्केट में सम्मिलित वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर मूल्यों के परिवर्तन को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए नाप लिया जाता है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से इन सूचकांकों के द्वारा महंगाई का मापन किया जाता है। क्या सभी वस्तुओं के मूल्य को मापा जाता है या कुछ विशेष वस्तुओं के मूल्य को मापा जाता है? तो हमने देखा कुछ विशेष वस्तुओं के मूल्य को ही मापा जाता है और वे विशेष वस्तुएं क्या कहलाती हैं, बास्केट कहलाती हैं, और उस बास्केट की वस्तुओं के मूल्यों का ही निर्धारण किया जाता है। ये तो हमारे इस प्रश्न का जवाब कि किन वस्तुओं के आधार पर यह किया जाता है। अब हम देखेंगे कि आप सुनते आए हैं देश में अर्थव्यवस्था की दर 2%, 3%, 4%, ये किस प्रकार से किया जाता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी आधार वर्ष चुन लिया जाता है। क्या चुन लिया जाता है? आधार वर्ष चुन लिया जाता है। आधार वर्ष का तात्पर्य क्या है? किसी भी वर्ष को आधार मानकर वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु है, उसके लिए आधार वर्ष हमने क्या चुन लिया, 2008 चुन लिया। तो क्या किया जाता है, पहले 2008 में वस्तु का मूल्य देखा जाता है। 2008 में वस्तु का मूल्य देखा जाता है, माना कितना था, वो ₹5 था। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्तमान वर्ष में क्या देखा जाता है, उस वस्तु का क्या देखा जाता है, मूल्य देखा जाता है। अब माना वर्तमान जो वर्ष है उसमें बढ़कर, माना 2023 में ये मूल्य जो बढ़कर है वो कितना हो गया, ₹10 हो गया। तो हम कह सकते हैं बढ़ोतरी जो हुई वो कितने प्रतिशत की हो गई, पूरे 100% की हो गई, 5 में 5। तो इसी प्रकार से आधार वर्ष में वस्तु का मूल्य, फिर उसके बाद में वर्तमान में वस्तु का मूल्य के अंदर जो अंतर होता है प्रतिशत का, वही क्या होती है, महंगाई की दर होती है। तो इस प्रकार से सूचकांकों के द्वारा महंगाई की दर का निर्धारण किया जाता है। अब हम समझते हैं कि WPI और CPI क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं और क्या इनके मध्य अंतर होता है। तो पहले बात करते हैं हम WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स की, या इसे हिंदी में कहा जाता है थोक मूल्य सूचकांक। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये थोक मात्रा में जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उसका क्या करता है, उनमें होने वाली महंगाई के परिवर्तन को मापता है। यानी थोक मात्रा में जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उनके मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को ये WPI इंडेक्स नापता है। ठीक है, बात करें CPI की या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो इसका नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तो उपभोक्ता के स्तर पर क्या करी जाती हैं, जो चीजें खरीदी जाती हैं उनके मूल्यों में होने वाले परिवर्तन या उनमें होने वाली महंगाई को ये मापता है। तो यानी कि ये ग्राहक के स्तर पर महंगाई को मापता है, दो पहला अंतर। दूसरा अंतर यदि हम WPI और CPI में देखें तो WPI का प्रयोग भी निवेशकर्ता कहीं भी निवेश करने के लिए प्रयोग में लेता है। WPI और CPI दोनों के माध्यम से ही कोई भी जो निवेश करने वाला व्यक्ति है कहीं भी किसी भी देश में जाके, मान लो किसी भी देश का कोई व्यक्ति आता है या कंपनी आती है और वो भारत में निवेश करना चाहता है, या देश का ही कोई वासी किसी कंपनी में निवेश करना चाहता है या भारत में किसी शेयर में निवेश करना चाहता है, तो वो क्या देखेगा, पहले देश में महंगाई के स्तर को देखेगा। और महंगाई के स्तर को देखने के लिए वो कहाँ देखेगा, WPI और CPI को देखेगा और अपने निवेश संबंधी डिसीजन लेगा। यही दूसरा कार्य जो WPI और CPI के माध्यम से करते हैं लोग,
तीसरा जीडीपी और आईआईपी। जीडीपी का तात्पर्य है देश में होने वाला उत्पादन का मौद्रिक जो मूल्य होता है, जीडीपी या आर्थिक विकास इसे सामान्य शब्दों में कहे जाते हैं। तो आर्थिक विकास के मापन के लिए भी क्या किया जाता है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास का तात्पर्य तब हमें समझ में आता है, आर्थिक विकास तब हम समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति को एडजस्ट करते हुए वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है, वास्तव में मुद्रास्फीति को एडजस्ट करते हुए देश में कुल उत्पादन कितना हुआ है, तभी हमें उत्पादन का वास्तविक मूल्य पता चलेगा। तो इसीलिए आर्थिक विकास और साथ ही इंडस्ट्रियल जो आईआईपी है, जो कि उद्योगों से संबंधित उत्पादन को मापता है, उनके उत्पादन का मापन के लिए भी हमें महंगाई के साथ उनको देखना होगा कि महंगाई के प्रभाव को हटाते हुए उत्पादन कितना हुआ है। तो दोनों को ही, दोनों के ही असली पिक्चर या असली कैलकुलेशन या गणना के लिए क्या करा जाता है, महंगाई के प्रभाव को हटाना होता है, और ये WPI और CPI के माध्यम से किया जाता है। अब जो WPI या थोक मूल्य सूचकांक होते हैं वो पूरे देश के लिए एक ही WPI होता है, जबकि CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होते हैं। आगे चलते हैं, अगले कुछ अंतरों को देखें। तो WPI की यदि हम बात करें कि इसे जारी करने वाली संस्था कौन है, तो WPI को जारी करने वाली जो संस्था है वो है इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आर्थिक सलाहकार, जो कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, वो इस इंडेक्स को जारी करता है। तो आप देखेंगे यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट करें कि WPI जिसके द्वारा महंगाई का मापन किया जाता है उसको जारी करने वाली संस्था कोई और है, लेकिन उसके माध्यम से महंगाई की दर निर्धारित करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं, RBI और केंद्र सरकार। तो कहने का तात्पर्य है WPI के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई का निर्धारण अवश्य किया जाता है, लेकिन WPI का निर्माण करने वाली संस्थाएं RBI या केंद्र सरकार नहीं है। कौन है WPI का निर्माण करने वाली संस्था, है आर्थिक सलाहकार, जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार CPI का जो मापन किया जाता है, CPI का जो लेखन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है, जो कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, सांख्यिकी व कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय के अधीन आता है। आगे कुछ और अंतरों की बात करें हम, तो कितने कितने समय बाद WPI को जारी किया जाता है, तो देखिए WPI को जारी किया जाता है मासिक रूप से, यानी हर माह देश में अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति को देखने के लिए WPI का कैलकुलेशन किया जाता है। इसी प्रकार CPI का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो भी मासिक रूप से किया जाता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य कि WPI का जो मापन किया जाता है वो कितनी वस्तुओं को सम्मिलित करके किया जाता है, तो पहले ये वस्तुएं थी 676, लेकिन अब बढ़ा के कितनी हो गई है 697, अर्थात 697 वस्तुएं चुनी जाती हैं और उन वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को नापकर WPI तैयार किया जाता है, अर्थात 697 वस्तुओं की एक बास्केट का निर्माण किया जाता है। CPI का जो निर्माण किया जाता है वो कितनी वस्तुओं, 200 वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को देख के किया जाता है। तो हम कह सकते हैं WPI में वस्तुएं कितनी हैं, जिनके आधार पर क्या किया जाता है, सूचकांक को तैयार किया जाता है, 697, जबकि CPI में कितनी वस्तुएं हैं, 200, ठीक है। अब WPI के अंतर्गत इसके WPI के कैलकुलेशन के लिए जो 697 वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं, उन वस्तुओं में अनौपचारिक क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुएं सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अनौपचारिक क्षेत्र जैसे क्या है, मान लो कोई पत्तल निर्माण करने वाली, क्या है, पत्तल निर्माण करने वाला लघु उद्योग है जो अपने घर में पत्तलों का निर्माण करता है। पत्तल का तात्पर्य क्या होता है, एक ये बर्तन टाइप का होता है जो किसी समारोह में या खाना खाने के कार्य में आने वाली एक अस्थायी प्लेट रूपी कार्य होता है। तो पत्तल निर्माण करने वाली जो कार्य है वो किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में यदि किया जाता है, तो WPI के कैलकुलेशन में इस प्रकार से अनौपचारिक रूप से घर में किए जाने वाले किसी भी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं नापा जाता है। हालांकि इसके मूल्य लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन्हें WPI के अंतर्गत नहीं मापा जाता है, जबकि CPI के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र की कुछ वस्तुएं भी सूचकांक को निर्माण करने के लिए शामिल की जाती हैं, जिससे CPI का जो सूचकांक है
वो अधिक व्यापक हो जाता है। हालांकि वस्तुओं की संख्या कम है लेकिन अलग अलग वस्तुओं की जो विविधता है वो अधिक है और अनौपचारिक क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं उनके द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं के मूल्य को भी सीपीआई में देखा जाता है। अब WPI का जो कैलकुलेशन किया जाता है उसमें जब वस्तुओं के मूल्य को देखा जाता है, जैसे कोई वस्तु ए है, ठीक है, 697 वस्तुएं हैं, उन 697 वस्तुओं में से मानो कोई एक वस्तु ए है, इस वस्तु ए का जो उत्पादन लागत है वो कितनी है, 80 रुपए है, लेकिन जो टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु के उत्पादन पर क्या लगता है, उत्पादन पर टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो टैक्स किस प्रकार का टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर होता है, और उस अप्रत्यक्ष कर के लग जाने के कारण माना वो कितना लगा, 20 रुपए। तो अब वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होता है जिसपे उपभोक्ता इसको खरीदता है वो कितना हो गया, 80 + 20, 100 रुपए। तो इस प्रकार से जब WPI का कैलकुलेशन किया जाता है तो जब वस्तुओं का जो मूल्य परिवर्तन होता है उसमें अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को नहीं देखा जाता है। कहने का तात्पर्य है यदि वस्तु का मूल्य क्या हो गया, उत्पादन लागत तो वही रही लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ाकर कितना कर दिया, 30 रुपए कर दिया, तो हालांकि इस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा, लेकिन जब WPI की कैलकुलेशन की जाएगी तब क्या देखा जाएगा, इस लागत को देखा जाएगा जो कि सेम है, तो किसी प्रकार के मूल्य का परिवर्तन WPI के अंतर्गत इस वस्तु ए के मूल्य में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष करों को WPI कैलकुलेशन के अंतर्गत मूल्यों में शामिल नहीं किया जाता, जबकि CPI के अंतर्गत क्या करा जाता है, शामिल किया जाता है। साथ ही साथ अन्य लागत जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट, एक वस्तु को उत्पादन होने वाली जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो लागत लगती है परिवहन में, उसको भी शामिल किया जाता है, जिससे क्या होता है, वस्तु के मूल्य में चाहे किसी भी कारण से परिवर्तन हो उसको CPI द्वारा नाप लिया जाएगा, चाहे अप्रत्यक्ष कर में होने वाली वृद्धि के कारण मूल्य में परिवर्तन हो जाए, चाहे जो परिवहन लागत है उसके कारण क्या हो जाए, वस्तु के मूल्य में यदि बढ़ोतरी होती है तो उसको भी नाप लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि CPI WPI की अपेक्षा अधिक व्यापक इंडेक्स है। आगे चलते हैं, कुछ और अंतरों को समझते हैं। अब हमने बात करी कि WPI के अंतर्गत कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया था, 697 वस्तुओं को शामिल किया गया था। ये जो 697 वस्तुएं हैं ये अलग अलग सेक्टर से चुनी जाती हैं। अब ये सेक्टर कौन कौन से हैं वो कहलाते हैं WPI के अवयव या कंपोनेंट। कुछ वस्तुएं कौन से क्षेत्र से चुनी जाती हैं, प्राइमरी आर्टिकल से चुनी जाती है। प्राइमरी आर्टिकल्स मतलब प्राथमिक वस्तुएं, और इनके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, खाद्य पदार्थ और कुछ गैर खाद्य पदार्थ और कुछ खनिज, यानी इन सब वस्तुओं को 697 में से कुछ वस्तुएं कैटेगरी ए से होती हैं, यानी कि प्राथमिक या प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, जबकि दूसरी कुछ वस्तुएं जो चुनी जाती हैं 697 में से वो किस ग्रुप से चुनी जाती हैं, फ्यूल एंड पावर, ईंधन और ऊर्जा से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनके मूल्यों में क्या परिवर्तन होता है उसको देखा जाता है। तीसरा इस प्रकार का जो कंपोनेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का तात्पर्य है उत्पादन वाला क्षेत्र, ठीक है, तो उत्पादन के क्षेत्र से ली जाती हैं कुछ वस्तुएं। तो तीन कंपोनेंट हो गए, पहला प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा ईंधन और ऊर्जा, और तीसरा जो कंपोनेंट है WPI का वो है मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। फ्यूल, ईंधन व ऊर्जा के अंतर्गत किस किस के मूल्यों में परिवर्तन को देखा जाता है, विद्युत, तेल और गैस के मूल्यों के परिवर्तन को देखा जाता है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत किस किन के मूल्यों को कंसिडर किया जाता है, मेटल या धातु के मूल्य, साथ ही साथ पेय पदार्थों का जो मूल्य है उनमें परिवर्तनों को WPI के माध्यम से मापा जाता है। तो हम कह सकते हैं WPI का जो कैलकुलेशन किया जाता है उसमें कितने कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट हैं। वस्तुएं कितनी हैं, 697, और ये 697 वस्तुएं तीन ग्रुप से उठाई जाती हैं। वे ग्रुप कौन कौन से हैं, पहला प्राइमरी आर्टिकल्स या प्राथमिक वस्तुएं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है मैंने आपको बताया, दूसरा ईंधन और ऊर्जा, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। अब इन 697 में से कितने प्रतिशत वस्तुएं प्राथमिक होती हैं, कितने प्रतिशत क्या होती हैं यहां से ली जाती है, और कितने प्रतिशत यहां से ली जाती है वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं CPI के अंतर्गत भी क्या कहा था हमने, 200 वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को मापा जाता है और उसके आधार पर महंगाई की दर का निर्धारण किया जाता है। अब इन 200 वस्तुओं में क्या होते हैं, इन 200 वस्तुओं को कुछ ग्रुप्स में बांटा जाता है और उन ग्रुप्स में से कुछ कुछ वस्तुएं उठाई जाती हैं। ये ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, पहला फूड एंड बेवरेज यानी खाद्य पदार्थ, ठीक है, दूसरा विविध का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों से कुछ रेंडमली वस्तुएं उठाना, तीसरा हाउसिंग सेक्टर या आवास क्षेत्र,
आवास क्षेत्र यानी आवास क्षेत्र के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को, आवास क्षेत्र से कुछ आवास के जो मूल्य हैं अलग अलग क्षेत्रों में घर के जो मूल्यों में परिवर्तन है उसको उठाया जाता है। इसी प्रकार फ्यूल एंड लाइट, ईंधन और ऊर्जा जो है, ईंधन और जो ऊर्जा है उसके मूल्यों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, 200 में से कुछ वस्तुएं वहां से उठाई जाती हैं। कुछ क्लोथिंग एंड फुटवेयर, अर्थात क्लोथिंग का तात्पर्य है कपड़ा और जो चप्पलें होती हैं या पैर में पहनने वाली क्या होती हैं, सैंडल, जूते, चप्पल, फुटवेयर, उनके मूल्यों को देखा जाता है। इसके अलावा पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ के मूल्यों में परिवर्तन को भी देखा जाता है। तो 200 वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं इन छह ग्रुप से चुनी जाती हैं। ग्रुप कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया। तो ये अंतर था कि WPI के कंपोनेंट क्या होते हैं और CPI के कंपोनेंट क्या होते हैं। आगे कुछ और अंतर देखते हैं। अब भारांश हम देखेंगे। देखिए हमने देखा कि तीन क्षेत्रकों से WPI के अंतर्गत वस्तुएं चुनी जाती हैं महंगाई के मापन के लिए, और CPI के अंतर्गत क्या किया जाता है, CPI के अंतर्गत छह क्षेत्रों से वस्तुओं का चुनाव होता है महंगाई के मापन के लिए। अब कौन से क्षेत्र से ज्यादा वस्तुएं उठाई जाती हैं और कौन से क्षेत्र से कम वस्तुएं उठाई जाती हैं, आइए इसको देखते हैं। WPI के अंतर्गत मैंने आपको बताया तीन क्षेत्रों से वस्तुएं उठाई जाती हैं जिनके द्वारा मूल्यों का मापन या महंगाई की दर का पता किया जाता है। एक सेक्टर था विनिर्माण, तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान क्या होता है, 65%, यानी 200 वस्तुएं जिनके मूल्य में परिवर्तन को WPI के माध्यम से मापा जाता है, उन 200 वस्तुओं में से 697 वस्तुओं में से 65% वस्तुएं कौन सी होंगी जो विनिर्माण क्षेत्र से आएंगी, उनके मूल्यों के परिवर्तन को देखा जाएगा। जबकि प्राथमिक क्षेत्र से आने वाली जो वस्तुएं होंगी वो कितनी होंगी, इन 697 में से 22%। जबकि ईंधन क्षेत्र से आने वाली वस्तुएं कितनी होंगी, 13%। इनमें मूल्यों के परिवर्तन के आधार पर इस भारांश के अनुसार क्या किया जाता है, WPI क्या करा जाता है, तैयार किया जाता है। जबकि CPI के अंतर्गत हम देखें तो 6 प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया गया था, कुल वस्तुएं थी 200 और इन 200 वस्तुओं में से 45.86% वस्तुएं कौन से क्षेत्र से चुनी जाती हैं, खाद क्षेत्र से चुनी जाती हैं। यानी खाद क्षेत्र की महंगाई का मापन काफी अच्छे तरीके से इससे हो सकता है क्योंकि 45% भारांश दिया जा रहा है, यानी 200 में से लगभग आधी वस्तुएं कहां से होंगी, खाद पदार्थ जो उपयोग करते हैं लोग उनके उनमें होने वाले मूल्यों के परिवर्तन को CPI के माध्यम से मापा जाएगा। तो हम कह सकते हैं खाद पदार्थों को कम भारांश कहां दिया जाता है, WPI में दिया जाता है, जबकि अधिक भारांश कहां दिया जाता है, CPI में। अन्य जो कंपोनेंट्स हैं जिनको भारांश दिया जाता है वे हैं, मैंने बताया विविध, उनको 23% भारांक, हाउसिंग सेक्टर को 10% भारांक, जबकि ईंधन क्षेत्र को 6.8% का भारांश, क्लोथिंग सेक्टर को या कपड़ा क्षेत्र को 6.5% का भारांश और पान और तंबाकू क्षेत्र को 2.5% का भारांश दिया जाता है, किसमें, CPI के कैलकुलेशन के अंतर्गत। आइए कुछ और अंतर हम समझने का प्रयास करें। देखिए WPI का जो कैलकुलेशन किया जाता था वो पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे किया जाता है, पहले भी पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे किया जाता था, आज भी पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट बेसिस का मतलब आप समझिए क्या होता है। देखिए जैसे पॉइंट टू पॉइंट का तात्पर्य है अक्टूबर 2019 में किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है, और उसकी तुलना किससे होगी, अक्टूबर 2020 में वस्तु के मूल्य से ही। तो यानी अक्टूबर और अक्टूबर में ही तुलना हो रही है, यानी सीजनल वेरिएशन यहां नहीं आएगा। अक्टूबर में लगभग एक जैसा मौसम हमारे देश में रहता है, तो अक्टूबर में किसी सीजनल इफेक्ट के कारण वस्तु के मूल्य में उतार चढ़ाव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार सीजनल मौसमी विविधता क्या करती है, WPI को प्रभावित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि WPI के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य का मापन पॉइंट टू पॉइंट बेस पे किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट बेसिस का मतलब पिछले वर्ष या पिछले माह जिन परिस्थितियों में या जिस मौसम में मूल्य मापे गए थे उसी परिस्थिति में अगली बार मापे जाते हैं, तो मौसमी विविधता यहां प्रभावित नहीं करती। लेकिन यहां ये पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन नहीं होता, इसलिए मौसमी विविधता का प्रभाव हमें CPI के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए WPI जो इंडेक्स होता है वो उसका एक ही प्रकार होता है और सारे देश के लिए एक ही प्रकार के WPI का कैलकुलेशन किया जाता है। जबकि CPI क्या होता है, रीजन वाइज अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग प्रकार का CPI सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए CPI के अंतर्गत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल ग्रामीण जो कि ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई को मापता है, इसी प्रकार CPI अर्बन जो कि शहरी क्षेत्र में महंगाई को नापता है, तीसरा होता है CPI कंबाइंड या CPI संयुक्त
जो कि ग्रामीण प्लस शहरी यानी समग्र रूप से देश में महंगाई की स्थिति को नापता है। चौथा होता है सीपीआई रूरल लेबर, जो कि ग्रामीण जो श्रमिक हैं वो किसी वस्तु का मूल्य कितना चुका रहे हैं, ग्रामीण श्रमिकों के लिए होने वाली महंगाई की दर को नापता है। जबकि सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, कृषि के अंतर्गत जो श्रमिक लगे हुए हैं उन पर महंगाई के इफेक्ट को नापता है। इसी प्रकार सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्री में लगे हैं, उद्योग क्षेत्रों में जो कामगार लगे हैं उन पर होने वाले महंगाई के प्रभाव को नापता है। ठीक है, इसी प्रकार का एक और इंडेक्स पहले चलता था, वो था सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल इंडेक्स, जो कि शहरी क्षेत्र में कुछ अन्य कार्यों में लगे हुए लोगों के लिए महंगाई का मापन करता था, जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और अब ये छह प्रकार के सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किए जाते हैं। तो ये था डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इंडेक्स में कौन कौन से प्रकार होते हैं उसकी हमने बात की। आइए कुछ और अंतर हम समझें। अब हम बात करेंगे आधार वर्ष की। तो आधार वर्ष का तात्पर्य मैंने आपको शुरू में भी बताया था, आधार वर्ष का तात्पर्य है कि जिस वर्ष की अपेक्षा मूल्यों में परिवर्तन को देखा जाता है। जैसे यदि 2008 को यदि हम आधार वर्ष ले लें तो 2008 में वस्तु का जो मूल्य होगा वो उसका फिर 2012 में मान लो हम महंगाई का मापन कर रहे हैं तो 2008 की अपेक्षा महंगाई में 2012 में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है, आधार वर्ष कहलाता है। तो आधार वर्ष क्या होता है डब्ल्यूपीआई के लिए, तो डब्ल्यूपीआई के लिए जो आधार वर्ष होता है वो कितना होता है 2011-12, यानी किसी वस्तु के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु के 2011-12 के मूल्य की अपेक्षा क्या करा जाता है डब्ल्यूपीआई में मापा जाता है। जबकि सीपीआई के लिए जो बेस ईयर है वो, जैसा मैंने आपको बताया सीपीआई के कई प्रकार होते हैं, पहला प्रकार कौन सा था सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कॉमन, तीन प्रकार। तो तीनों प्रकारों के लिए, सीपीआई ग्रामीण हो, सीपीआई शहरी हो या सीपीआई संयुक्त हो, तीनों के लिए आधार वर्ष कितना है 2012 है। जबकि सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई रूरल लेबर के लिए जो आधार वर्ष है वो कितना है 1986-1987 है। ठीक है, इसी प्रकार सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है उस इंडेक्स के लिए जो आधार वर्ष है वो कितना है 2001 है। जबकि सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर, जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है जिस इंडेक्स का प्रकाशन, उसके लिए जो आधार वर्ष है वो कितना है 1984-85 है। तो ये बात करी हमने आधार वर्षों की। अब हम बात करेंगे कि डब्ल्यूपीआई का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो पहले भी हमने देखा किसके द्वारा, इकोनॉमिक जो एडवाइजर होते हैं भारत के उनके द्वारा किया जाता है। जबकि सीपीआई के अंतर्गत जो सीपीआई शहरी यानी कि सीपीआई रूरल, सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई संयुक्त, तीनों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है, सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन यह संस्था आती है। जबकि ध्यान रखना आपको सीपीआई एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई उद्योग क्षेत्र का जो होता है सूचकांक, उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भारत सरकार के अधीन आती है, शिमला में ये संस्था स्थित है, उनके द्वारा इन तीनों इंडेक्सों का प्रकाशन किया जाता है। तो ये बात करी हमने प्रकाशन की। अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों की अवधारणा को हमने समझा, इनसे महंगाई का मापन कैसे होता है इसको हमने समझा, और इनके आधार वर्षों को हमने समझा, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उनको हमने समझा। लेकिन समय समय पर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई द्वारा महंगाई की जो कैलकुलेशन करी जाती है उसमें शामिल वस्तुओं की संख्या को और साथ ही साथ उनके आधार वर्ष को समय समय पर सरकार द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ये परिवर्तन क्या किए गए, ये सुधार क्या किए गए, क्यों किए गए और इनका परिणाम क्या है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में किए गए सुधारों की हम बात करें, पहले हम देखेंगे डब्ल्यूपीआई में सुधार जो किए गए उनको, फिर हम देखेंगे सीपीआई में जो सुधार किए गए हैं उनको, फिर हम बात करेंगे कि ये सुधार क्यों किए गए, ठीक है ना, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि इन सुधारों का परिणाम क्या निकला। ठीक है, तो क्योंकि यदि हम बात करें कि ये सुधार क्यों किए गए, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में सुधार क्यों किए गए, तो इसलिए किए गए ताकि देश में जो या अर्थव्यवस्था में जो महंगाई का असली चित्रण है वो सरकार के पास पहुंच सके, वास्तव में महंगाई कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है उसका अधिक वास्तविकता से मापन किया जा सके, उसके लिए सुधार किए गए। कैसे प्रकार के सुधार किए गए और कैसे उन सुधारों से वास्तविक रूप से सरकार महंगाई का मापन कर सकती है, आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई में कुछ सुधार जो किए गए वो क्या क्या किए गए। पहला पॉइंट,
कि WPI में जो सुधार किए गए वो एक कमेटी की सिफारिश पे किए गए, और वो कमेटी कौन सी थी, सौमित्र चौधरी नाम से एक कमेटी बनाई गई थी। सौमित्र चौधरी कमेटी की सिफारिशों पर WPI में कुछ सुधार किए गए। सबसे पहला जो सुधार किया गया, वस्तुओं का जो मूल्य है वो 2004-05 आधार वर्ष पे पहले देखा जाता था, अब उस आधार वर्ष को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 2011-12 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि GDP के कैलकुलेशन या देश के आर्थिक विकास के मापन के लिए जो बेस ईयर सरकार ने निर्धारित किया वो भी कितना कर दिया था, 2011-12 कर दिया था, तो उसके अनुसार ही WPI के आधार वर्ष को करने के लिए 2004-05 जो कि पहले WPI का आधार वर्ष था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2011-12। इसका तात्पर्य क्या है कि आज WPI के अंतर्गत जो मूल्य परिवर्तन मापे जाते हैं वो 2011-12 में जो वस्तु का मूल्य था उसकी अपेक्षा मापे जाते हैं, ताकि महंगाई का वास्तविक चित्रण हमें प्राप्त हो सके हाल फिलहाल के दौर में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड जो थे, यानी अर्थव्यवस्था में महंगाई के मापन के लिए, देश में महंगाई के मापन के लिए पहले WPI के अंतर्गत 676 वस्तुओं का ही मापन किया जाता था, लेकिन उसको विस्तृत करते हुए अब कितनी वस्तुओं का मापन किया जाता है, 697 वस्तुओं का मापन किया जाता है, ताकि अलग अलग सेक्टर से अलग अलग वस्तुओं का अधिक मात्रा में क्या किया जा सके, मूल्यों के परिवर्तन को मापा जा सके और अर्थव्यवस्था में महंगाई की वास्तविक जो चित्रण है वो सरकार द्वारा किया जा सके। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर जो है शामिल नहीं किए गए। ठीक है, क्यों नहीं किए गए, पहले WPI के मापन में अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाता था, तो सम्मिलित करने का प्रभाव क्या होता था, देखिए किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, उसकी उत्पादन लागत। ठीक है, उत्पादन लागत, जैसे मानो किसी वस्तु की उत्पादन लागत 80 है और साथ ही साथ उस पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर माना 20 रुपए लगे, तो इस वस्तु का वास्तविक मूल्य जो उपभोक्ता के पास आएगा वो कितना आएगा, 100 रुपए में वस्तु मिलेगी। लेकिन क्या होता है, वस्तु का मूल्य यहां अप्रत्यक्ष करों के में परिवर्तन के कारण भी वस्तु के मूल्य का परिवर्तन हो जाता है, जैसे 20 से बढ़ाकर क्या कर दिया, 30 कर दिया मूल्य यदि सरकार ने, तो अब वस्तु का मूल्य 80+30 कितना हो जाएगा, 110 रुपए। हालांकि मूल्य तो यहां वास्तव में बढ़ गया, लेकिन हमने देखा कि उत्पादन लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है, उत्पादन लागत तो 80 रही, मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, अप्रत्यक्ष करों के कारण हुई है, जो कि सरकार की एक नीति है, उसे सरकार घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो WPI में पहले अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाता था, और जब सम्मिलित किया जाता था तब मुद्रास्फीति का जो प्रभाव दिखता था वो अप्रत्यक्ष करों के कारण भी यदि मुद्रास्फीति हो जाती थी वो भी दिखता था, लेकिन अब अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया गया है, तो वास्तव में उत्पादन लागत बढ़ने के कारण ही यदि मुद्रास्फीति होती है तो उसी का मापन WPI के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों की महंगाई, जो कि सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिले, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये सरकार का लक्ष्य है, प्रत्येक समाजवादी सरकार का ये लक्ष्य होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा मिले, भोजन उपलब्ध हो, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि खाद्य पदार्थों की महंगाई को मापने के लिए एक अलग प्रकार का इंडेक्स WPI फूड इंडेक्स नाम से जारी किया, और इस फूड इंडेक्स के अंतर्गत भी अलग अलग खाद्य के लिए, जैसे अंडे के लिए अलग, जैसे मीट के लिए अलग, अलग अलग प्रकार के सब इंडेक्स भी क्या किए, जारी करने लग गए, जिससे क्या हो, अधिक वास्तविक स्थिति खाद्य पदार्थों की महंगाई का पता लगाया जा सके। ठीक है, तो ये WPI में कुछ सुधार किए गए। इसी प्रकार के कुछ सुधार CPI में भी किए गए। क्या सुधार किए गए, CPI का जो आधार वर्ष पहले कितना था, 2010, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2012 कर दिया गया। इसी प्रकार पहले CPI की गणना के लिए 5 ग्रुप से क्या उठाया जाता था, वस्तुएं उठाई जाती थी, अब वो ग्रुप कितने कर दिए गए, 6, और पान तंबाकू जिसका सेवन लोग करते हैं उसको भी क्या कर दिया, सम्मिलित कर लिया, ताकि मूल्यों का जो मापन है वो अधिक विविधता उसमें आ पाए और देश में महंगाई की वास्तविक स्थिति का चित्रण हो पाए। अंडा जिसका उपयोग हाल फिलहाल के दिनों में लोगों द्वारा अधिक बढ़ गया है, तो उसमें होने वाली महंगाई भी चूंकि लोगों को प्रभावित करती है, तो अंडे के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को भी CPI में शामिल कर लिया गया, ताकि वास्तविक स्थिति जो महंगाई की, चाहे वो किसी भी वस्तु में हो, उसका पता लगाया जा सके। साथ ही साथ सैंपल साइज को बढ़ाया गया। सैंपल साइज मतलब जहां जहां से वस्तुओं का डाटा, यानी 697 वस्तुएं शामिल की जाती हैं, तो इन 697 वस्तुओं का जो डेटा या आंकड़ा, मूल्यों का जो आंकड़ा एकत्रित किया जाता था, वो देश के विभिन्न हिस्सों से, अधिक ज्यादा हिस्सों से अब एकत्रित किया जाने लगा, और ये जो आंकड़े हैं ये प्रति सप्ताह लिए जाने लगे, ताकि
एक महीने के अंतर्गत भी मूल्यों की विविधता का पता लग सके, यानी प्रत्येक 7 दिन में मूल्यों में विविधता किस प्रकार की आई उसका पता लगाया जा सके। कुछ और जो सुधार किए गए वो क्या किए गए कि देश के प्रत्येक जिले से अब आंकड़े लिए जाने लगे, यानी हर जिले के मूल्यों का निर्धारण अब सीपीआई के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि हर जिले से अब आंकड़े सीपीआई के अंतर्गत लिए जाते हैं और प्रत्येक जिले से कम 2 गांवों से भी आंकड़े लिए जाते हैं ताकि गांव में होने वाली महंगाई का पता भी लगाया जा सके। सभी की जो सभी शहर हैं, जिन शहरों की जनसंख्या 9 लाख से ज्यादा है, वहां से अब सीपीआई के लिए आंकड़े जुटाए जाते हैं मूल्यों के, ताकि बड़े शहरों के वास्तविक स्थिति पता लग सके किसकी, महंगाई की। और इसी प्रकार से खाद क्षेत्र की महंगाई को विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए 2014 से एक सीपीआई फूड इंडेक्स नाम से अलग से सीपीआई इंडेक्स जारी किया गया या चालू किया गया सरकार के द्वारा। तो ये कुछ सुधार सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए। अब प्रश्न ये है कि डब्ल्यूपीआई भी हमने पढ़ा, सीपीआई भी हमने पढ़ा, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब महंगाई का मापन किया जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से इंडेक्स को महंगाई की दर के निर्धारण के लिए अपनाता है? तो इस सवाल का जवाब है कि पहले तो क्या करता था, डब्ल्यूपीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनाता था देश में महंगाई की दर का निर्धारण करने के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में या वर्तमान समय में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखता है महंगाई के दर निर्धारण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डब्ल्यूपीआई को महंगाई के निर्धारण के लिए उपयोग में लिया जा रहा था तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा आरबीआई को अचानक क्या सपना आया कि उसे डब्ल्यूपीआई से सीपीआई की तरफ जाना पड़े? तो उसका जवाब है आपकी स्लाइड पे सामने। देखिए, डब्ल्यूपीआई से सीपीआई पे क्यों जाना पड़ा, क्योंकि डब्ल्यूपीआई द्वारा देश में जो महंगाई की जो दर थी उसका वास्तविक चित्रण नहीं किया जा रहा था। क्यों नहीं किया जा रहा था? सबसे पहले WPI जो मुद्रास्फीति की दर मापता है वो किस स्तर पर नापता है, थोक मूल्यों के आधार पर, वस्तु के थोक जो मूल्य हैं उनमें जो परिवर्तन होता है, यानी दुकानदार उत्पादक से जो वस्तु लेके आता है तो दुकानदार के लिए वस्तु कितनी महंगी हुई उनको नापता है WPI, जबकि CPI ग्राहक के लिए वास्तविक रूप से अंतिम ग्राहक के लिए वस्तुएं कितनी महंगी हुई उसको नापता है। इसी प्रकार WPI में आपने देखा था जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं, कुछ अनौपचारिक क्षेत्र यानी कोई घर में अपना व्यवसाय करता है, घर में किसी पत्तल धोने की फैक्ट्री लगाता है, घर में बीड़ी उत्पादन का कार्य करता है या अन्य कोई छोटा मोटा कार्य करता है और उस कार्य के करने से जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो लोगों द्वारा खरीदी भी जाती हैं दिन प्रतिदिन, उनकी महंगाई को, उनके मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को WPI नहीं नाप पा रहा था, तो उन सेवाओं और वस्तुओं को CPI में शामिल कर लिया गया ताकि उन क्षेत्रों में होने वाली महंगाई का भी पता लगाया जा सके। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों की महंगाई का जो असली चित्रण है या वास्तविक चित्रण है वो WPI के माध्यम से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि WPI के अंतर्गत जो खाद्य क्षेत्र है उसका भारांश कम था, जबकि CPI के अंतर्गत खाद्य क्षेत्र का भारांश 45% है, तो खाद्य पदार्थों में होने वाली महंगाई को अधिक अच्छे से CPI माप पाता है। इसी प्रकार जो डियरनेस अलाउंस या महंगाई जो भत्ता होता है या मजदूरी जो होती है वो भी किससे जुड़ी हुई है, CPI से जुड़ी हुई है, तो महंगाई भत्ते में होने वाले परिवर्तन को भी अच्छे से मापने के लिए या उसका निर्धारण करने के लिए चूंकि किसका प्रयोग किया जाता है, CPI का, तो अब RBI भी क्या करने लग गया, महंगाई का निर्धारण करने के लिए CPI को अपनाने लग गया। लेकिन CPI को अपनाने के पश्चात भी, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अपनाए जाने के बाद भी कुछ कमियां रह गई हैं, और वे कमियां क्या हैं कि CPI के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया कितनी वस्तुओं का मापन किया जाता है, 697 वस्तुएं, और ये 697 वस्तुएं 6 कैटेगरी से ली जाती हैं। इन 697 और 6 कैटेगरी की वस्तुओं को सम्मिलित करने के पश्चात भी कुछ वस्तुएं ऐसी रह गई हैं जो CPI की कैलकुलेशन में शामिल तो नहीं है लेकिन उनके मूल्यों में होने वाला परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति को इफेक्ट करता है। जैसे बैंक होटल के मूल्यों में, कोई व्यक्ति, आज आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी घूमने जाता है या किसी कार्य से जाता है तो वो होटल क्या करता है, लेता है। इसी प्रकार बैंकिंग गतिविधियां, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट सेक्टर, सभी में क्या करता है, वो कार्य करता है दिन प्रतिदिन या रोजमर्रा के कार्यों में वो क्या करता है, बैंकिंग क्षेत्र में भी और इंश्योरेंस क्षेत्र में भी उसे कार्य पड़ता है, और इनके प्रोडक्ट जब महंगे होते हैं तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। लेकिन बीमा क्षेत्र में, बैंक क्षेत्र में, होटल क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ती थी उसका कैलकुलेशन
सीपीआई के माध्यम से नहीं किया जाता था क्योंकि उन 697 वस्तुओं में ये वस्तुएं शामिल ही नहीं थी। तो इस कारण एक चंद्रशेखर कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई और इस चंद्रशेखर कमेटी ने क्या कहा कि एक नए प्रकार का इंडेक्स बनाओ और वो इंडेक्स कौन सा हो, एसपीआई, जिसे कहा जाए सर्विस प्राइस इंडेक्स, और इसे महंगाई का मापन करने के लिए आप काम में ले। तो ये आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से WPI और CPI की अवधारणा को समझा, RBI कौन से इंडेक्स का प्रयोग करता है इसको हमने जाना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।